प्यारे बच्चों कैसे हो आप उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं आपके पास पाँचवीं क्लास की लेसन टू द लॉयन किंग स्टोरी का नाम है द लॉयन किंग तो आपने बहुत सारे जानवरों की कहानियाँ पहले सुनी होंगी इसी तरह आज की कहानी शेर के बारे में है लॉयन मीन्स शेर तो आपको पता है शेर को हम जंगल का राजा भी कहते हैं तो आइए अब हम अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ये स्टोरी जो है वो शेर खुद सुना रहा है ये जो स्टोरी है ये शेर खुद अपने आप सुना रहा है कि मैं क्या था क्या हो गया मेरे साथ किसने क्या किया तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन जो है वो हाँ इससे पहले कुछ मैं पूछना चाहूँगा आपसे तीन क्वेश्चन है डू यू लाइक स्टोरीज डू यू लाइक स्टोरीज लाइक मीन्स पसंद करना स्टोरीज़ कहानियाँ क्या तुम्हें कहानियाँ पसंद है अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो कॉमेंट में हाँ लिखें इफ़ यस नेम एन इज स्टोरी यू मे हैव हार्ड और रीड अगर आपको स्टोरी पसंद है तो किसी स्टोरी का नाम लिखें जिस जो आपने सुनी हो या पढ़ी हो तो आपको लाइब्रेरी की बुक्स में भी स्टोरीज़ मिलती हैं आप घर भी अपने माता पिता दादा दादी से कहानियाँ सुनते होंगे तो उस किसी एक स्टोरी का नाम आपने ज़रूर लिख देना है। हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट क्या आपने कभी किसी जंगल के जानवरों की कहानियाँ सुनी या पढ़ी आपने हु इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट ये आप सभी जानते हो किंग ऑफ फॉरेस्ट किंग मीन्स राजा फॉरेस्ट मीन्स जंगल तो जंगल का राजा कौन है हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं जंगल का राजा शेर है लॉयन वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ लॉयन उस किंग ऑफ फॉरेस्ट तो किंग ऑफ फॉरेस्ट उसको क्यों बोलते हैं क्योंकि वह सबसे ताकतवर जानवर है आइए हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और वीडियो को बाद में अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हाँ अपने जो भी दोस्त आपके फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए इसको शेयर कर दें तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्लास का लेसन नंबर टू द लोयन किंग आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट अगेन मैं पढ़ रहा हूं आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स जंगल किंग मीन्स राजा आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट कि मैं जंगल का राजा हूं तो जंगल का राजा मैं जंगल का राजा हूं ये कौन बोल रहा है लॉयन शेर खुद अपनी स्टोरी सुना रहा है माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल द मोस्ट द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स वेल नॉट ओनली टॉल ट्रीज देर वर क्लाइंबर्स बशिज श्रब्स एंड ग्रास टू द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स पूल्स हिल्स वैलीज एंड मैनी वंडरफुल सीनरी डीर्स टाइगर्स एलिफेंट्स बीर्स मंकीज क्रोकोडाइल्स वॉल्स पिकॉक्स अब ये लास्ट की लाइन में सभी जंगली जानवरों के पक्षियों के नाम आए हैं तो हम अब, अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट मैं जंगल का राजा हूँ माई किंगडम माई मैंने मेरा किंगडम मीन्स राज्य हैड बीन वेरी ब्यूटीफुल वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल मेरा जो है राज्य कभी बहुत सुंदर होता था ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता था द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज द फॉरेस्ट क्योंकि जंगल का जो आ, शेर का जो राज्य है वो क्या है जंगल है तो वो कहता है कि जंगल जो है कभी फुल ऑफ टॉल ट्रीज़ कि जंगल कभी बड़े बड़े पेड़ों से भरे होते थे यानी कि विशाल पेड़ होते थे टॉलर दैन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग इंसान को कह रहा है ये शेर जो है इंसान को क्या कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों से भी लंबे लंबे पेड़ होते थे जंगल में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं तो शेर क्या कह रहा है कि मेरे जंगल में जो पेड़ होते थे वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी बड़े बड़े होते थे उनसे भी लंबे होते थे वेल well, अच्छा नॉट ओनली टोल ट्रीज कि कहता है नॉट ओनली क्या शेर कहता है कि केवल लंबे पेड़ ही नहीं बड़े पेड़ ही नहीं देयर वर क्लाइंबर्स बेल होती थी बशिज़ झाड़ियाँ श्रब्स एंड ग्रास घास यानी कि जंगल में सभी तरह की वनस्पति होती है घास फूस झाड़ियाँ बेल के केवल बड़े बड़े पेड़ ही नहीं कि जंगल में बड़े बड़े क्लाइंबर्स यानी कि बेल जो पेड़ के सहारे चढ़ जाती हैं बशिज़ झाड़ियाँ घास आदि भी था द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स जंगल द फॉरेस्ट लुकड मैंने दिखाई देते थे ब्यूटीफुल सुंदर विद वाटर स्प्रिंग्स पानी के झरने पानी के झरने उसमें बहते थे पूल्स तालाब होते हैं हिल्स पहाड़ियां वॉलीस घाटी एंड मैनी वंडरफुल सीनरी और बहुत सारे सुंदर दृश्य जंगल में दिखाई देते थे क्योंकि जंगल में हर तरह के सीन होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, के पेड़ पौधे होते हैं तो अलग अलग तरह की सीन उसमें दिखाई देंगे और क्या क्या था उसमें वाटर स्प्रिंग्स स्प्रिंग्स झरने और पूल्स तालाब हिल्स पहाड़ियाँ वर्ली घाटियाँ वैलीज होती हैं अब इसके साथ साथ क्या बताया उसने कि बहुत सारे सुंदर दृश्य होते थे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आया कि डीर्स टाइगर्स एलिफेंट्स बीर्स मंकीज क्रोकोडाइल्स वॉल्स पिकोप, मनहस ऑल्स पीजेंस एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आपका वो सब्जेक्ट नहीं कि हिंदी इंग्लिश जो आप सब्जेक्ट बोलते हो सब्जेक्ट्स का माई सब्जेक्ट्स का मतलब मेरी प्रजा यानी कि मेरे राज्य के लोग क्या क्या थे डीर हिरन होती है टाइगर एलिफेंट्स जो जंगल में जीव होते हैं बियर्स भालू मंकीज बंदर क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ वोल्स भेड़िए पिकॉक मोरस मैना आउल्स उल्लू पीजेंस कबूतर एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स और बहुत सारे जीव जो है मेरी प्रजा थे यानी कि मेरे राज्य में रहते थे किसके राज्य में थे जंगल के राजा लोयन के राज्य में यानी कि जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में बात कर रहा है वी हैड वी मीन्स हम वी हैड इनफ फूड टू ईट फूड मीन्स भोजन टू ईट खाने के लिए हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में काफी मात्रा में भोजन था द प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक प्ल्टी मैंने बहुत सारा ऑफ वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए बहुत सारा पानी था माय बर्ड्स sang द स्वीटेस्ट सॉन्ग जो मेरे पक्षी थे यानी कि मेरे राज्य में जो जंगल में पक्षी थे वो सबसे मीठा गाना गाते थे माय एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट races और जो मेरे जंगल के जो एनिमल्स थे पशु थे वो रेन द लॉन्गेस्ट रेसिस बड़ी बड़ी सबसे लंबी दौड़ लगाते थे आवर चिल्ड्रन कब लैम एंड द फॉन्स मूड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर जो हमारे बच्चे थे जैसे शेर का बच्चा कब लैम भेड़ का बच्चा तो इसी तरीके से वो कहता है कि जो हमारे बच्चे थे वो भी फ्रीली जो है दौड़ मूव चल फिर सकते थे या भागते फिरते थे विदाउट फियर बिना किसी डर के वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम हम सभी हमारे घर यानी कि जंगल में हैप्पीली खुशी से रहते थे अब इसके साथ साथ इसने क्या बताया कि जंगल में बहुत सारे जानवर थे और सभी जो है खुशी से रहते थे तो एक बार इसको हम दोबारा रीडिंग कर लेते हैं इसमें क्या है आई एम द किंग आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स वेल नॉट ओनली टॉल ट्रीज देर वर क्लाइंबर्स बशिज श्रब्स एंड ग्रास टू The forest looked beautiful with water springs, pools, hills, valleys, and many a wonderful scenery. Deers, tigers, elephants, bears, monkeys, crocodile, wolves, peacock, manas, owls, pigeons, and many more were among my subjects. We had enough food to eat and plenty of water to drink. माई बर्ड्स सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग माई एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट ड्रेसिस आवर चिल्ड्रन दब्स लैम्स एंड द फॉन्स लिव मूड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर वी ऑल लिव हैपीली इन द फॉरेस्ट आवर होम तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने ये इसको पढ़ना है और पढ़ के आपने इसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है आपकी साउंड रिकॉर्ड इसमें होनी चाहिए और आपने अपने क्लास टीचर को इसको सेंड कर देना है ताकि क्लास टीचर को ये पता लगे कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं और ताकि आपसे कोई अगर वर्ड इसमें गलत पढ़ा जाता है तो टीचर आपको सही इसको कर सकता है आप अपने बड़े भाई बहन की भी मदद ले सकते हैं और हाँ इसको आपने लिखना भी है नोटबुक में आपने इसको पेज राइटिंग करनी है इसकी और अच्छी अच्छी राइटिंग में इसमें ध्यान रखना कि कहाँ स्मॉल लेटर्स होता है और कहाँ कैपिटल लेटर्स होते हैं तो आपने आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं धन्यवाद